अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल? प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं अपनी, और होमवर्क भी टाइम पे सबमिट करा रहे हैं, और क्लासेस भी बहुत फोकस के साथ ले रहे हैं? तो आज हम क्या पढ़ने आए हैं? आज हम मैथ्स पढ़ने के लिए आए हैं। मैथ्स में हमें क्या करना है? तो ये तो आप लोग अपनी बुक्स और नोटबुक्स निकालेंगे, हम तभी पता चलेगा। अब हम नोटबुक्स में कौन सा पेज नंबर निकालेंगे? नोटबुक्स में हमें पेज नंबर 75 निकालना है। सो प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक्स एंड कॉपीज़। तो हम पेज नंबर 75 में हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डिविजन। हम लोग डिविजन के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, और लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आप हम लोगों ने हाउस ऑफ डिविजन के बारे में सीखा था। इट वॉज अ वेरी न्यू मैथड एंड द ईजीएस्ट एज वेल फॉर दोज हु कीप रिवाइजिंग द लेक्चर्स, अपने पुराने वाले, राइट? तो प्लीज़ नया क्वेश्चन निकाल लीजिए। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स, सो डोंट गेट वरीड, इट्स ईजी, यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड फोकस के साथ मेरा लेक्चर सुने। अब यहाँ पे हमें कहा है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स, आई एम सॉरी। अब पार्ट नंबर वन करते हैं। फाइव चिल्ड्रंस बॉट अ बॉक्स ऑफ 20 कुकीज। क्या कहा जा रहा है? पांच बच्चों ने एक बॉक्स ऑफ कुकीज़ लिया, 20 कुकीज़ थे उसके अंदर। हाउ मैनी कुकीज़ विल ईच चाइल्ड गेट, कितने कुकीज़ हर बच्चा लेगा? तो हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है जो हमने क्लास नंबर वन, लेक्चर नंबर वन में लिया था डिविज़न के, अहमद का। अहमद हैड 12 एप्पल्स। इसी तरह यहाँ पे बच्चों के पास कितने कुकीज़ हैं? 20 कुकीज़ हैं, और बच्चे टोटल कितने हैं? 5 चिल्ड्रंस हैं टोटल। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या, टोटल अमाउंट क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ टोटल अमाउंट है 20 कुकीज़ की, और डिवाइड किस में करना है? 5 में। तो वेरी गुड। अब आप चाहें तो हाउस ऑफ डिविजन बना के 20 अंदर लिखें, 5 बाहर लिखें, 5 टाइम्स टेबल पढ़ें जब तक 20 नहीं आ जाता। 5 टाइम्स 4 या 20 होता है, तो डिवाइड कर दें, एक ये वे है हमारे हाउस ऑफ डिविजन का। दूसरा वे हमारे पास, आप सिंपली फ्रैक्शन के जरिए सॉल्व कर दें। तो जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 20 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें पता चल जाएगा 4 कुकीज ईच चिल्ड्रन विल गेट, ईच चाइल्ड विल गेट 4 कुकीज। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 करने वाले हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है हमें? लेट्स सी। मॉम टोल्ड सारा एंड दानिया टू वॉश सम डिशेस। मॉम टोल्ड सारा एंड दानिया टू वॉश सम डिशेस। ठीक है बच्चों, इफ देयर वर 18 डिशेस देन हाउ मैनी डिड ईच चाइल्ड वॉश, ईच गर्ल वॉश। कह रहे मामा टोल्ड सारा एंड दानिया टू वॉश सम डिशेस। मामा ने कहा भाई सारा और दानिया जाके बर्तन धोकर आओ, जैसे आपकी भी अम्मी आपको कहती होंगी गो एंड वॉश योर डिशेस, क्लीन द किचन, राइट? डू यू रिमेंबर दैट? अब कह रहे हैं इफ देयर आर देयर वर 18 डिशेस, अगर वहाँ पे 18 डिशेस होंगी देन हाउ मैनी डिड ईच गर्ल वॉश। 18 टोटल डिशेस हैं, ठीक है। अब अगर आप में से कोई होता बोलता ओ इतनी सारी डिशेज़ हैं, इतनी सारी तो हम नहीं धो सकते, तो आधे मैं धो दूँगी, आधे मेरी बहन धो देगी, आप लोग भी ऐसे कहते होंगे। तो यहाँ भी उन्होंने दो लड़कियों को कहा है, सारा और दानिया को। अब वो बता रहे बताएं भाई हर लड़की ने कितने बर्तन धोए होंगे। देर आर टू गर्ल्स सारा एंड दानिया, और हाउ मैनी डिशेज आर देयर? देर आर 18 डिशेज। तो हमें क्या करना है, 18 डिशेस को डिवाइड करना है 2 से। वी हैव टू मैथड्स, वन वी कैन यूज इज द हाउस ऑफ डिविजन वाला मैथड विच वी लर्न इन द प्रीवियस क्लास। हमने लास्ट क्लास में हाउस ऑफ डिविजन का मैथड सीखा था, जिसमें वी ड्रॉ आर हाउस, और हम लोग टोटल अमाउंट उसके अंदर लिख लेते हैं, और बाकी अमाउंट जो होता है रिमेनिंग वो बाहर, जो क्वांटिटी होती है कितने लोगों में डिवाइड करना है। देन वी स्टार्ट रीडिंग द टेबल, हम लोग टेबल रीड करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। दिस इज़ दैट सिंपल। तो यहाँ भी हम लोगों ने
यही करना है. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. फाइव टाइम्स टेबल हम लोगों को डिवाइड करना है 18 को 2 से. तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि वी कैन स्टार्ट स्टडी रीडिंग टू टाइम्स टेबल. हम लोग टू टाइम्स टेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं और टू टाइम्स टेबल पढ़ने के बाद जब जहाँ पे 18 आ जाएगा वहाँ पे स्टॉप कर दें. तो जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और 18 आ रहा होगा 2 के टेबल में, तो दैट विल बी द आंसर. तो जब हम डिवाइड करेंगे, हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 18. तो इससे हमें ये पता चलेगा कि व्हेन वी डिवाइड 18 डिशेज इनटू 2, जब हम 18 को दो लोगों में तोड़ेंगे बर्तनों को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास 9 डिशेज आएंगी ईच गर्ल के पास. वेरी गुड. तो अगर आप लोगों का जो दिल चाहे, जो इजी मेथड लगे डिवाइड का, हाउस ऑफ डिवीजन लगे, यू वांट टू डिवाइड दो देम विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस, यू कैन डू दैट. आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे थोरली. आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ ना आए तो यू कैन रिवाइज द वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस, और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि डिवाइड के पीछे मेथड क्या है. और जब ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ तो कोशिश करें चीज़ों की हेल्प से, क्वेश्चन से. यू कैन यूज़ कैंडीज, डिशेस की जगह आप लोग कैंडीज भी यूज़ कर सकते हैं डिवाइड करने के लिए, क्योंकि डिशेस तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. नोबडी हैज़ 12 डिशेस और वो एक साथ डिवाइड करने में मसला होगा. कोई छोटी चीज़ लें जिससे आप इजीली डिवाइड कर सकें. ये प्रैक्टिस होगी आपकी और इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा डिवीजन के पीछे. इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, अपने होमवर्क्स टाइम पे सबमिट कराएं, फोकस के साथ लेक्चर्स करें, ध्यान दिल के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद मोर वर्ड प्रॉब्लम्स. जब तक अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.